विकासखंड मीरगंज ग्राम पंचायत सिरौथी ग्राम प्रधान मदन लाल शर्मा ने 26 वोटों से विजय हासिल की है। तो ये जानते हैं हमारे संवाददाता मुरारी लाल पांडे से इनकी एक खास बातचीत। कौन से गांव से प्रत्याशी हैं? गांव हमारा सिरौथी अमितपुर है जी। कितने गांव पड़ते हैं? अकेला ही गांव लगता है। अकेला गांव लगता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मदन लाल वर्मा। मदन लाल वर्मा। आपका चिन्ह? चुनाव चिन्ह मेरा कन्नी का है। कन्नी का है। आपकी जीत कितने वोटों से हुई है? जीत हमारी 26 वोटों से हुई। दूसरे प्रधान जी को हराकर जनता ने आपको क्यों चुना? कुछ ऐसा था कि वो लड़कपन बुद्धि के लोग थे और मैं एज में सही और सही व्यवहार का आदमी था। आदमी जी ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा, गांव की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा जी, व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, लड़ाई झगड़े सब कुछ कमी रहेंगे ना होने दूंगा जी। जी जो विधवा लोगों की पेंशन नहीं आ पा रही है उसके विषय में आपको क्या कहना? तो जो विधवाओं की पेंशन रुकी हुई है उनकी फिर से चालू कराऊंगा और नई भी विधवाओं की पेंशन बनवाऊंगा। 60 साल पेंशन? 60 साल पेंशन आप बनवाएंगे? जी मैं बनवाऊंगा। जो कुछ गरीब बच्ची है, माँ बाप सरकारी मुआवजा के लिए इंतजार करते हैं और भाग दौड़ कर घर बैठ जाते हैं, उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है, उसके विषय में आपको क्या कहना? सरकारी मुआवजा जो आएगा हर किसी के लिए दिलाऊंगा, जो बच्चियों को कन्यादान के लिए जो विकास आएगा उसको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अरे जो टूटी फूटी खड़ंजे जहाँ पानी भरा हुआ है उसकी मरम्मत और सीमेंटेड रोड कराऊंगा। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे? हाँ साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा है। कोरोना महामारी चल रही है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। कोरोना महामारी में हम लोगों से हिदायत करते हैं कि वो मास्क पहने और दूरी बनाकर ही बैठे। उसके लिए समय समय पर हमारी ग्राम पंचायत द्वारा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी और व्यक्तिगत रूप से हम हर घर में सैनिटाइजर पहुंचाएंगे जिससे कि उसका इंफेक्शन कम हो सके। और डिपो होल्डर से कोई शिकायत हो बताइए? जी डिपो होल्डर से तो कोई शिकायत नहीं है। कितना राशन बट रहा है कितना राशन हमारे यहाँ सभी मतलब पूरी मतलब जो नियमावली है उसी के अनुसार प्रति यूनिट 5 किलो दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, वितरण किया जाता है प्रत्येक महीने। प्रत्येक महीने 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वितरण किया जाता है जी। और जो कुछ गरीब लोग हैं इनके पास 1-1 बीघा जमीन है, इन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, सरकारी ट्यूबवेल आपके कैसे हैं? क्या सिंचाई हेतु सिंचाई के लिए अभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत में कुछ निजी नलकूप लगे हुए हैं, उनके थ्रू सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। आगे पर प्रशासन के द्वारा अगर निजी मतलब सार्वजनिक नलकूप की व्यवस्था होती तो उसके लिए भूमि वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी जी। खेतों में आप सरकारी ट्यूबवेल लगवाएंगे? जी अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो उसके तहत। ये तो आप खुद कहेंगे जी, तभी तो आपके आएंगे जी, आप पूरी कोशिश करेंगे जी, उसके लिए जिनके पास शौचालय नहीं है, कुछ लोगों के पास रह गए हैं, उन्हें आप शौचालय दिलाएंगे जी। ऑलमोस्ट तो बन चुके हैं लेकिन जिन फिर से सर्वे करा लिया जाएगा, अगर किसी का नहीं होता है तो उसका बनवाया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम प्रधान छोटे लाल सक्सेना ने अपने शपथ ग्रहण के पहले पूरे गांव में सैनिटाइजेशन रोजाना साफ सफाई का खासा ध्यान रखा, इसके चलते पूरे गांव में चौमुखी विकास कार्य भी करवाया। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मुरारी लाल पांडे से इनकी एक खास बातचीत। मेरा नाम मनोज सक्सेना है, ग्राम गोगई प्रधानपति तहसील बरेली। शपथ ग्रहण करने से पूर्व ग्राम प्रधान गोगई ग्राम पंचायत गोगई प्रत्याशी दुर्गेश सक्सेना ने गांव में कराया विकास कार्य शुरू। प्रधान जी जो प्रधानमंत्री आवास योजना आती है उसके बारे में जानकारी? प्रधानमंत्री जो आवास योजना है जी उसमें अभी मेरे शपथ तो भी नहीं है जी, फिर भी मेरे पास डाटा है जी, मैंने संजो करके लगा है जी, जिसमें जो पात्र लोग हैं जी
अभी भी मेरे यहाँ पर लगभग 50 घर ऐसे हैं जी जिनके मकानों पर छत भी नहीं है जी, पन्नी और तिरपाल पड़ा है, तो उनको सबको प्रधानमंत्री योजना की तरफ से, आवास योजना की तरफ से सबको पक्का मकान दिलाने का मेरा भरपूर पूरा प्रयास रहेगा ताकि उनको अपना घर मिल सके। प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान था 15 साल प्रधानी कर चुका है और इस बार कुशल व्यवहार देख के ही आपको इस बार प्रत्याशी को जिताया है, इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि जो मेरा गांव पिछड़ चुका है इन 15 सालों में, पूरा विकास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, मतलब कुछ भी ना के बराबर विकास कराया पूर्व प्रधान के बराबर जी, ना तो नरेगा का पेमेंट किसी को आज तक मिला जी, ना कोई आवास बना, दो आवास, एक आवास बना है वो भी अधूरा पड़ा है जी इन पूरे 5 साल में जी। ज्ञात हुआ है कि गांव में करीब लगभग 50 नल हैंडपम्प है, उसमें सिर्फ एक दो ही चल रहा है। बिल्कुल, क्या बात, ये सत्य है? बिल्कुल। अच्छा जी, पूरे गाँव में 2-4 नल होंगे, दो तो मेरी नज़र में है, एक दो और किसी के आसपास में चल रहे हों तो चल रहा हूँ, वरना पूरा का पूरा हैंडपम्प सब खराब हुआ। अच्छा, कोटा डीलर के बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ, उसकी शिकायत वो हो तो बताइए, एक यूनिट पे कितना गल्ला दे रहा? एक यूनिट पे 5 किलो गल्ला वितरण हो गया, और अगर 2 से ज़्यादा यूनिट हो, 3 से ज़्यादा यूनिट अगर हैं तो वो 1 किलो राशन कम देते हैं पर एक राशन कार्ड पर आप बतला रहे हैं 1 किलो गल्ला कम देता है। अच्छा, जो वृद्धा और विधवा पेंशन के बारे में जानकारी लेना चाहूँ? विधवा पेंशन तो जिन लोगों की बन गई है उनको मिल रही है, और जो अब वंचित रह गई है इससे, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन सब लोगों को सुचारू रूप से शौचालय के बारे में जानकारी लेना चाहूँ। शौचालय भी लगभग वही में ठीक ठाक बन चुके हैं, मगर फिर भी लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज भी शौचालय नहीं है, जो वंचित हैं 30% उनको आप शौचालय दिलवा दें। जिनके पास सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, 1 या 1.5 बीघा जमीन है, उसके लिए पानी नहीं दे पाते हैं बड़े लोग, उसके विषय में आपको क्या कहना है? सरकारी ट्यूबवेल आपके कितने हैं गाँव में? वो तो 1-1.5 बीघा वाले को तो ट्यूबवेल मिल ही नहीं सकता। नहीं, जैसे सभी लोगों के लिए ट्यूबवेल होते हैं, जो सरकारी ट्यूबवेल होते हैं तो कुछ लोग पानी भर लेते हैं, इंजन नहीं है उनके पास, पानी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कैसे होगी उनके लिए? सब क्षेत्रों में सरकारी ट्यूबवेल होना जरूरी है। सरकारी तो ट्यूबवेल है ठीक, और प्राइवेट भी ट्यूबवेल 3-4 है, उनके लिए प्राइवेट से व्यवस्था हो सकती है, सरकारी तो नहर भी नहीं है वहाँ, सब व्यवस्था खराब है। नहीं तो ऐसा नहीं है प्रधान जी, नहर की भी नहीं, वो तो पैप तो अंदर पाइपलाइन पड़ के आता है, लेकिन ट्यूबवेल तो होते ही है ना। कोशिश तो करेंगे ना प्रधान जी। एक जानकारी इसके साथ और लेना चाहता हूँ मैं, जो करीब कन्याएं शादी के लिए है, अनुदान मिलता है शादी के लिए, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। जो अब पहले 20,000 रुपये था सामान को और 30,000 रुपये था मुंडन को, अब ज्ञात हुआ है कि 50,000 रुपये शादी अनुदान हर जाति के लिए इशू हुआ है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। वो गवर्नमेंट की स्कीम है, पहले तो 20,000 था, फिर 35,000 हो गया, अब सुना है कि 50,000 भी हो गया। इसमें प्रधान जी की भी सैलरी हो गई, पहले 3500 रुपए थे, अब ज्ञात हुआ है आपकी 5,000। 3500-5,000 कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, प्रधान की 5,000 की सैलरी में क्या हो जाएगा? नहीं हुआ, बढ़ोतरी हुई तो है, ये उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो विभागदान मिल रहा है वो तो प्रॉपरली सबको मिलेगा ही जी। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि 100% लोगों को मिल जाए, जितने भी बहन बेटियों की शादी होगी। फिलहाल मेरा पर्सनल भी है जी, मेरा भी पर्सनल है एक बढ़िया सा गिफ्ट, इसी जो कि मैं दे रहा हूँ, अभी 3 लोगों को दे भी चुका हूँ, एक डिनर सेट है जी, जो पूरे 5 साल दूंगा जी, जितने भी वही मैं
लड़कियों की बहन बेटियों की शादी होगी जी। अभी 3 शादियाँ हुई हैं मेरे कार्यकाल में जब से मैंने शपथ ली है जी जी, 3 हो दिया। अच्छा, प्रधान जी का कहना है मुझे जनता ने विश्वास भरोसा करके जिताया है, मैं गांव में चौमुखी विकास कराते रहूंगा, क्या यह बात सत्य है प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आपका ध्येय है? मेरा तो उद्देश्य यही था जी कि मुझे सिर्फ विकास पे काम करना जी, लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना जी, चाहे वो कोविड की तरफ से कोई भी मामला हो तो साफ सफाई का लेके सैनिटाइजर, मास्क वितरण, मास्क लगाना जी, लोगों को 2 गज की दूरी बना के रखना जी, दूसरा उनके आय मूल जाति वो सब मैंने फ्री कर रखा है पूरे 5 साल जी, किसी को कहीं नहीं भागने की जरूरत है। अच्छा, इसी के साथ एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, कई जगह विद्युत विभाग की तरफ से हमें शिकायत मिली है आपके गांव में, विद्युत विभाग की तरफ से मैं जानकारी लेना चाहता हूँ किस हिसाब से बिल आ रहा है? बिल तो लगभग सबका ठीक ही होता है, मगर जिनका मीटर में दिक्कत है जी, या फिर मीटर नहीं लगा है जी, वो तो उनका सिस्टम है, ज़्यादा कम का तो कोई मैटर नहीं है जी, वो तो सिस्टम है जी, भाई उनका मीटर अगर खराब है तो ज़्यादा ही बता रहा है, तो इससे प्रधान का कोई लेने देने नहीं है। रहा सवाल सप्लाई का जी, तो सप्लाई खराब नहीं हो तो बढ़िया आती है हमारी लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको टाइम लग जाता है। जैसे अभी हमारे ट्रांसफार्मर फूका हुआ चल रहा है 12-13 दिन हो गए जी, अभी अभी रखा नहीं गया, नहीं मैंने कंप्लेंट भी करा रखी है, जय साहब को भी करा रखा।